सब्सक्राइब करिए टेकिया सर यूट्यूब चैनल को, साथ में लगा बेल आइकन को भी प्रेस करिए ताकि आपको मिले मेरे वीडियोस के अपडेट सबसे पहले देखने के लिए। हेलो गाइस, वेलकम टू टेकिया सर यूट्यूब चैनल। और गाइस बिलीव मी, यहां पर Xiaomi ने धमाल करके रख दिया चाइना में। यहाँ पर Xiaomi ने लॉन्च करा अपने फ्लैगशिप लेवल के 3 स्मार्टफोन। सबसे पहला जो स्मार्टफोन है वो है MI8, दूसरा जो स्मार्टफोन है वो है MI8 एक्सप्लोरर वाला वर्जन, और यहाँ पर जो तीसरा वेरिएंट है जो आप बोल सकते हो सबसे लोअर एंड वाला मॉडल है वो है MI8 SE। तो आज की इस वीडियो में देखेंगे यहाँ पर ये फोन में आपको क्या स्पेसिफिकेशन मिलता है, क्या प्राइस पॉइंट पर Xiaomi ने लॉन्च करा है, और क्या ये OnePlus वगैरह को मार्केट में बीट कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। तो गाइस चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं यहाँ पर रेगुलर मी 8 वर्जन की। तो यहाँ पर ही आपको 3 वेरिएंट में देखने को मिलेगा। रैम आपको सब में 6GB देखने को मिलेगा, स्टोरेज आपको 64GB, 128GB और 256GB देखने को मिल जाएगा। बिल्ड और डिजाइन की बात करें तो यहाँ पर आपको फ्रंट में और बैक में ग्लास देखने को मिल जाएगा, बीच में आपको एल्यूमिनियम की फ्रेम देखने को मिल जाएगी। तो बिल्ड क्वालिटी आपको ये फोन में बहुत ही प्रीमियम देखने को मिल जाएगी। डिस्प्ले यहाँ पर आपको 18.7:9 का एस्पेक्ट रेशियो के साथ में देखने को मिलेगा। नॉच आपको बड़ा सी देखने को मिल जाएगा, और साथ ही साथ जो स्क्रीन साइज है वो रहने वाली 6.21 इंच का सुपर एमोलेड डिस्प्ले फुल HD+ रेजोल्यूशन के साथ में। तो सैमसंग ने यहाँ पर ये डिस्प्ले बनाया, तो डेफिनेटली बहुत ही बढ़िया डिस्प्ले भी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं प्रोसेसर की। तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा Qualcomm Snapdragon 845, साथ ही साथ यहाँ पर Adreno का 630 का GPU भी देखने को मिल जाएगा। तो परफॉर्मेंस भी आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कैसी आपको 845 में मिलती है। कैमरास की बात कर लेते हैं, जो कि Xiaomi बहुत ही ज़्यादा लॉन्च इवेंट में बता रहा था। यहाँ पर आपको बैक में डुअल कैमरा का सेटअप देखने को मिल जाता है। दोनों ही कैमरा आपको 12 MP का मिलता है, बट जो प्राइमरी कैमरा है वो आपको f1.8 अपर्चर के साथ में देखने को मिलता है। जो सेकेंडरी कैमरा है वो आपको f2.4 अपर्चर के साथ में देखने को मिलता है। प्राइमरी कैमरे से यहाँ पर आपको जो माइक्रोन पिक्सल साइज है वो आपको मिल जाता है 1.4 का, और साथ ही साथ यहाँ पर आपको 4-axis ऑप्टिकल इमेज स्टेबिलाईजेशन का सपोर्ट भी देखने को मिल जाता है। और जो सेकेंडरी कैमरा है वो यहाँ पर टू एक्स ऑप्टिकल इमेज वगैरह ले लेता है, और साथ ही साथ लो लाइट में भी बताया जा रहा है बहुत ही अच्छी इमेजेस आपको देखने को मिल जाएगी। फ्रंट फेसिंग कैमरा आपको 20 MP का देखने को मिल जाएगा f2.0 अपर्चर के साथ में। यहाँ पर आपको 1.8 माइक्रोन पिक्सल का साइज देखने को मिल जाएगा, तो लो लाइट सेल्फी भी बताया जा रहा है आपको बहुत ही बढ़िया देखने को मिल जाएगी। अब यहाँ पर एंड्रॉइड वर्जन आउट ऑफ द बॉक्स 8.1 देखने को मिल जाएगा MIUI 10 के साथ में। ये पहला डिवाइस लॉन्च होगा, सेंसर सारे आपको देखने को मिलेंगे, इंक्लूडिंग फिंगरप्रिंट स्कैनर भी मिल जाएगा। साथ ही साथ यहाँ पर आपको फेस अनलॉक का फीचर भी मिल जाएगा, बट 3.5 mm हेडफोन जैक आपको नहीं मिलेगा। बैटरी लाइफ की बात कर लेते हैं तो यहाँ पर आपको 3400 mAh की बैटरी मिल जाएगी, फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट भी दिया हुआ है। प्राइसिंग की बात कर लेते हैं, जो बेस वेरिएंट है 64GB वो लगभग इंडियन प्राइसिंग में कन्वर्ट करके आपको मिल जाएगा 28,500 की प्राइस पॉइंट पे। जो उसके बाद वाला वेरिएंट आता है वो आपको मिल जाएगा 31,500 रुपये के आसपास, और जो आप बोल सकते हो 256GB वाला स्टोरेज है वो आपको देखने को मिल जाएगा 34,500 के आसपास। तो प्राइसिंग तो यहाँ पर Mi 8 की बहुत ही कमाल देखने को मिल रही है। तो गाइस अब बात कर लेते हैं यहाँ पर Mi 8 जो स्पेशल एडिशन है, जो एक्सप्लोरर वाला वर्जन है उसकी। ये आपको एक ही वेरिएंट में देखने को मिलेगा, 128GB की स्टोरेज मिल जाएगी, 8GB की रैम देखने को मिल जाएगी। जो स्पेसिफिकेशन मैंने आपको पूरे Mi 8 के बताया सेम टू सेम आपको देखने को मिल जाता है, वो जो डिफरेंस है वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले यहाँ पर अगर आप डिजाइन की बात करो तो बैक पैनल जो है वो आपको ट्रांसपेरेंट देखने को मिलेगा, मतलब अंदर के आपको जितने भी पार्टिकल है सब आपको बाहर से देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर आपको फेस अनलॉक का जो फीचर है वो आपको जैसा कि एप्पल आईफोन 10 में देखने को मिला था, हार्डवेयर बेस्ड है, 3D फेस आईडी के यहाँ पर सपोर्ट मिलता है। तो यहाँ पर जो सिक्योरिटी लेवल वाइज अगर आप देखोगे तो फेस अनलॉक का यहाँ पर सिक्योरिटी बढ़ जाती है। यहाँ पर साथ ही साथ अगर आप एक और एक चीज़ की बात कर लेते हो तो यहाँ पर आपको जो फिंगरप्रिंट स्कैनर है वो आपको डिस्प्ले के अंदर देखने को मिलता है, जैसे कि वीवो के एपेक्स में और आपको वीवो के X21 में देखने को मिलता है, उसी तरीके का अंडर द ग्लास फिंगरप्रिंट स्कैनर आपको देखने को मिल जाता है। बाकी की जो सारी चीज़ें प्रोसेसर बैटरी वगैरह हर एक चीज़ आपको Mi 8 जैसे ही देखने को मिल जाती है। प्राइस पॉइंट की बात करते हैं, जो एक्सप्लोरर वाला वर्जन है वो आपको लगभग इंडिया की 39,000 के आसपास देखने को मिल जाता है। प्राइस अब बात कर लेते हैं सबसे छोटे वाले वेरिएंट की, जो कि है Mi 8 SE। एप्पल आईफोन का जैसे कि SE वेरिएंट आता है वैसे आपको Xiaomi ने भी लाके दे दिया है। अब यहाँ पर जो स्पेसिफिकेशन है कम्प्लीटली यहाँ पर आपको चेंज मिलता है। बिल्ड और डिजाइन की बात करें तो यहाँ पर आपको वही ग्लास और मेटल का कॉम्बिनेशन वाली बिल्ड क्वालिटी देखने को मिल जाती है। डिस्प्ले यहाँ भी आपको 18.7:9 का एस्पेक्ट रेशियो के साथ में 5.88 इंच का फुल HD+ के साथ में सुपर एमोलेड का डिस्प्ले देखने को मिल जाता है। यहाँ पर प्रोसेसर आपको स्नैपड्रैगन का 710 जो कि लेटेस्ट है और बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है। अब अगर आप बात करते हो मिड रेंज हायर रेंज सेगमेंट की, अब बात कर लेते हैं यहाँ पर ये फोन के रैम और स्टोरेज की, तो यहाँ पर ये आपको दो वेरिएंट में देखने को मिल जाएगा, 64GB+4GB, 64GB+6GB। कैमरास की बात कर लेते हैं तो यहाँ पर आपको बैक में डुअल कैमरा का सेटअप मिलेगा 12+5 MP का। सेल्फी कैमरे की बात कर लेते हैं तो यहाँ पर अगेन आपको 20 MP का सेल्फी कैमरा मिल जाएगा।
3120 mAh की बैटरी मिल जाएगी, फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट मिल जाएगा, ये भी MIUI 10 के साथ में आएगा और यहाँ पर भी आपको ओरियो 8.1 देखने को मिल जाएगा, फेस अनलॉक भी मिल जाएगा, फिंगरप्रिंट स्कैनर आपको पीछे के साइड देखने को मिल जाएगा। प्राइसिंग की बात करते हैं तो जो बेस वेरिएंट है 4GB रैम के साथ में उसकी प्राइसिंग रखी गई है लगभग 19,000 के आसपास, और जो 6GB वाला वेरिएंट है उसकी लगभग प्राइसिंग रखी गई है 21,000 रुपये। ये थे गाइस यहाँ पर ये तीन वेरिएंट Xiaomi ने जो लॉन्च करा है। अगर फ्रेंकली अगर मैं बात करूँ तो यार वैल्यू फॉर मनी डिवाइस यहाँ से ही देख के लग रहा है। सिर्फ देखने वाली बात ये रहेगी कि कैमरा जो Xiaomi ने इतना बताया रियल लाइफ में इतना अच्छा होता है या नहीं होता है, बाकी डिस्प्ले तो प्रॉमिसिंग लग रहा है, बिल्ड क्वालिटी अच्छी है, प्रोसेसर सब ये फोन में अच्छे है, बैटरी अच्छी लग रही है, प्राइसिंग भी बहुत ही बढ़िया यहाँ पर Xiaomi ने रखी है। तो Xiaomi ने तो पूरा एप्पल आईफोन को यहाँ पर कॉपी कर लिया, आईफोन के जितने मॉडल रहते सारों को। अब देख लेते हैं यहाँ पर ये कितना हीट होता है, चाइना में तो डेफिनेटली हीट होने ही वाला है, बट ये इंडिया में आता है तो क्या प्राइस पॉइंट के साथ में आता है और क्या Xiaomi आपको लगता है कि Xiaomi का हायर एंड फोन यहाँ पर OnePlus को बीट कर पाएगा नहीं कर पाएगा, और क्या आपको लगता है Mi 8 यहाँ पर OnePlus 6 से बढ़िया है या नहीं है, जरूर बताना नीचे मुझे कमेंट्स में। गाइस आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी, और गाइस अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलता है उससे अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए थैंक यू।